अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वैराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। सत्ये साम्राज्यं भज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्याये स्यादः सार्वभौमः। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के यदि आज के कार्यक्रम को आप सार्थक करना चाहते हैं, आप सच में
राम जी का स्वागत करना चाहते हैं, आप सच में माँ देववासिनी के चरणों में वंदन करना चाहते हैं, तो आप इसी सप्ताह में इसी नवरात्र के पर्व के चलते हुए अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति का कैलेंडर पढ़ाने का काम करेंगे। बताएं कितने लोग करेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कितने लोग प्रयास करेंगे। दोनों हाथ खड़े कीजिए और मुठ्ठियां बांधिए और बोलिए माँ देववासिनी की। बताओं को देवास के श्रद्धालुओं को सहायता करके अयोध्या में लेकर जाए और अपने आराध्य देव, अपने आदर्श देव, अपने इष्ट देव, हमारे राम जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर दे। राम हमारी संस्कृति का आधार है, राम तत्व के कारण ही हमारी संस्कृति समृद्ध है, राम हमारे आदर्श है, राम हमारे इष्ट है, राम हमारे भगवान है और राम को जीवन को ही देखकर हम लोग अपने बाकी जीवन को जीते हैं। और यही कारण है कि जब तक हमारे घरों में भारतीय संस्कृति रहेगी हम खुशहाल रहेंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। आप आने वाले समय में बच्चों को यह जरूर बताएं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई क्या होता है, क्योंकि यह सुविधा का एक कैलेंडर है। सबसे पहले तो मैं देवाशाजा को लोकसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाद दाताओं को हिंदू वर्ष प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो संस्था देववासिनी के द्वारा आयोजित किया गया था। संस्था देववासिनी ने देववासिनी के श्रद्धालुओं को एकत्रित करके यहाँ पर हिंदू वर्ष प्रतिपदा का आयोजन किया था। सभी ने भजन कीर्तन किए, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन हुआ और भारतीय संस्कृति के अनुसार हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए इस बात का संकल्प हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी भारतीय संस्कृति का संवर्धन करे, संरक्षण करे, ऐसी कामना यहाँ पर की गई है। माँ देववासिनी की आरती को लॉन्च किया गया है एक अहम सवाल आपसे, और साथ ही माँ देववासिनी के सभी भक्तों ने विश्व के कल्याण की कामना की है। मतलब आपने भी एक अंग्रेजी कैलेंडर के बाद बच्चों को सिखाने के लिए हिंदुत्व के लिए जो बताया था पूरा विस्तार से बताएं क्या? देखिए अंग्रेजी कैलेंडर हमारी एक सुविधा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि आप जनवरी फरवरी बच्चों को ना पढ़ाएं, परंतु बच्चों को चैत, वैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुमार, कार्तिक भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारे सनातन धर्म की पहचान है। यदि हम विक्रम संवत को नहीं समझेंगे, हम यदि शक संवत को नहीं समझेंगे, तो धीरे धीरे आने वाले समय में हम हमारी संस्कृति को यदि भूलते जाएंगे तो हम हमारी पहचान को खो देंगे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज को यदि नुकसान पहुंचाना है तो आप उसकी संस्कृति को खत्म कर दो, वो समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि सनातन धर्म को बनाए रखना है, सनातन संस्कृति को बनाए रखना है, तो हमें इस संस्कृति का संवर्धन भी करना पड़ेगा और इस संस्कृति का संरक्षण भी करना पड़ेगा। क्या क्या कहेंगे जो आज जो भव्य आयोजन हुआ है नववर्ष को लेकर के, ये शुरुआत है जो कहीं ना कहीं लगातार सभी को आज के आयोजन के लिए मैं संसद देववासिनी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने देवास नगर में, देवास जिले में एक ऐसा दीप जलाया है जिसका आने वाले समय में अनेक संस्थाएं अनुसरण करेंगी। हिंदू वर्ष प्रतिपदा का आयोजन, इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, हमारी संस्कृति का संवर्धन करने वाले कार्यक्रम, ये निरंतर हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में होते रहना चाहिए। क्या बोले मध्य प्रदेश के योगी के रूप में आपको पहचाना जा रहा है, ये पहले देवास में आज तक हुआ नहीं है, किस तरह से आपने एक से अलग जगाई है, क्या प्रेरणा मिली आपको? देखिए निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, ये सब हमारे नेता हैं। हम सब इनके द्वारा किए गए व्यवहार और आचरण का पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। उस अनुसरण करने में यदि किसी व्यक्ति को ये परिलक्षित होता है कि मैं योगी जी की तरह काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि योगी जी देश के मुख्यमंत्री के, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को संभालते रहे। मैं तो केवल वही काम संभालता हूँ जो मेरे को भारतीय जनता पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल मुझे सांसद का दायित्व दिया था, मैंने उसे 5 साल में बखूबी निभाने का प्रयास किया। अभी वर्तमान चुनाव में भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मैं सभी आशीर्वाददाता का आशीर्वाद देने के लिए भी जनता तक पहुंच रहा हूं, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम चौमुखी विकास भी करेंगे।